हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जेसीबी 3DX प्लस बैकलोडर बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग जेसीबी 3DX प्लस बैकलोडर खरीदना है अभी के समय में, एक्यूरेट का ऑन द प्राइस नेक्स्ट शोरूम प्राइस उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग इस गाड़ी को फाइनेंस में निकालना है तो डाउन पेमेंट लोन अमाउंट में कैलकुलेट करके आप लोगों को बताऊंगा। इस जेसीबी का जो भी स्पेसिफिकेशन होगा तो सारी बातें इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिकेशन बारे में बात कर लेते हैं। मैक्स पावर होगा 74 HP एट 2200 RPM। मैक्स टॉर्क होगा 400 Nm एट 1200 RPM। फ्यूल टाइप होगा डीजल। फ्यूल टैंक कैपेसिटी होगा 128 लीटर। इंजन ऑयल होगा 15 लीटर। सिलेंडर का 4 सिलेंडर। कूलिंग सिस्टम होगा वाटर कूल। स्पीड होगा 36 km/h। लिफ्टिंग कैपेसिटी होगा 1490 kg। वेट होगा 7510 kg। दोस्तों, इस जेसीबी का एक्सशोरूम प्राइस होगा 30 लाख। आरटीओ प्लस इंश्योरेंस आधा चार्जेस सभी टैक्स मिला के इस गाड़ी का ऑन द प्राइस होगा 34,20,000। आपका पास बजट कम है तो फाइनेंस में निकालना है डाउन पेमेंट आपने का 6,80,000। लोन अमाउंट कौन था 27,40,000। अगर जिस कंपनी से फाइनेंस कर रहा है इस कंपनी को रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। मैंने उसका टाइम लिया 60 मंथ 5 ईयर के लिए। पर मंथली ईएमआई कल का रहेगा 56,800 रुपीज पर मंथली पे करना कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग 7 ईयर के लिए फाइनेंस करना है तो पर मंथली ईएमआई कल का रहेगा 44,084 रुपीज पर मंथली पे करना कंपनी को। दोस्तों, अगर आप लोग जेसीबी को आधा सीरीज से खरीदना है आप लोग नीचे कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूंगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।